आपके पार्टनर को वो दीजिए जो उसे आपसे चाहिए, उसके बाद आपका पार्टनर आपको वो देगा जो आपको चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छी तरह से रहता है एंड फिर वो आपसे दूर भागने लगता है? दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को जो आपसे चाहिए आप उन्हें वो देने में फेल हो जाते हो। जो इंसान आपके साथ एक बार रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाता है वो इंसान आपसे दूर जाएगा ही क्यों, अगर उनकी उम्मीदें आपसे पूरी हो रही है तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे पार्टनर को हमसे चाहिए क्या। जब आपको ये पता नहीं होता कि आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, तब आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हो, उनसे कमिटमेंट मांगने लगते हो और इनसिक्योर फील करने लगते हो। ऐसा करने के कारण आपका पार्टनर आपसे बोर होने लगता है, इरिटेट होने लगता है एंड फिर वो आपसे दूर जाने लगेगा। रिलेशनशिप में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक सिकर्स और दूसरे गिवर्स। सिकर्स वो होते हैं जिनसे लोग दूर भागते हैं और गिवर्स वो होते हैं लोग जिनके पीछे भागते हैं। सिकर्स से लोग दूर क्यों भागते हैं? इनके प्यार में कोई कांटे लगे हुए नहीं होते, लेकिन सिकर्स का प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो लोग उनसे दूर भागेंगे क्योंकि लोग सिकर्स से बहुत ही जल्दी बोर होने लगते हैं। और गिवर्स के पीछे लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि वो लोगों को बोर नहीं करेगा, लोगों को गिवर के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो उस इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के कारण लोग बार बार गिवर्स के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आपने कहीं बार ऐसा सुना होगा कि लड़कियां बड़ी एज के लड़कों को ज्यादा पसंद या ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात सही है, बट इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि टाइम के साथ एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के कारण लड़के सिकर से गिवर बनने लगते हैं। कम एज के लड़के गुड लुकिंग भी होते हैं और ज्यादा प्यार करने वाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को बड़ी एज के लड़के ज्यादा पसंद आएंगे। जनरली 20 या 22 के एज के लड़कों को आप सिकर्स बोल सकते हो और वहीं पर 30 या 40 के एज के मर्दों को आप गिवर्स बोल सकते हो। अब अपवाद में ये भी हो सकता है कि किसी 40 साल के मर्द में आपको सिकर्स वाले कुछ साइन देखने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई 22 साल के लड़के में आपको गिवर्स वाली कोई क्वालिटी देखने को मिले। अब सिकर और गिवर में इतना बड़ा फर्क क्या होता है? सिकर्स इमोशनली सोचते हैं और इमोशनली एक्शन लेते हैं, गिवर्स प्रैक्टिकली सोचते हैं और प्रैक्टिकल एक्शन लेते हैं। सिकर्स हमेशा प्यार का रोना रोता है, वहीं पर गिवर्स इमोशनली मैच्योर होते हैं, वो कभी भी प्यार के लिए नहीं रोते। सिकर्स हमेशा इनसिक्योर फील करता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला ना जाए, वहीं पर गिवर्स इनसिक्योर फील नहीं करता, वो कॉन्फिडेंट रहता है। सिकर्स हमेशा कमिटमेंट मांगता रहता है और वहीं पर गिवर्स को खुद पे भरोसा होता है कि उसका पार्टनर उसको छोड़ के नहीं जाएगा। सिकर्स को जितना भी टाइम मिलता है वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और गिवर्स को जितना भी टाइम मिलता है वो सामने वाले इंसान को एक बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। कई लोग मेरे साथ बात करते हैं उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन कई बार उन लोगों की स्टोरी में ही उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है लेकिन उनको दिखता नहीं है। मैं सिर्फ उनको उनकी चीजें अलग करके दिखा देता हूँ कि देखो पहले तुम ये चीजें कर रहे थे इसलिए तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, अब तुमने वो करना बंद करके ये चीजें करना शुरू किया है इसलिए अब तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर भाग रहा है। जैसे कि हाल ही में एक लड़की ने मुझे बताया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी, हमेशा उसके लिए रोती रहती थी और उसके पीछे भागती रहती थी। ऐसा सब करने के कारण मेरे बॉयफ्रेंड का मुझसे मन भर गया और उसने मुझे छोड़ दिया। इन शॉर्ट ये लड़की एक सिकर थी और ऐसे लोगों से ही लोग दूर भागते हैं। फिर इस लड़की ने कॉलेज में दूसरे लड़के के साथ एक रिलेशनशिप बना लिया और इस लड़की का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी सेम कॉलेज में था। अब ये लड़की एक नए लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई इसलिए वो पहले के रिलेशन की सारी बातें भूलने लगी थी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए रोना या उनके पीछे भागना सब कुछ बंद हो गया था। अब इस लड़की का ये कहना है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब मेरे लिए पागल है, वो कहता है कि तू कुछ भी कर लेकिन मेरी लाइफ में वापस आ जा। इस लड़की का प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होता, इस लड़की का प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होता है क्योंकि ये लड़की सीकर है। अब अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए भी वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, उसके लिए भी वो इनसिक्योर फील करी, अब दूसरे बॉयफ्रेंड के भी वो पीछे भागने लगी है इसलिए अब इसका नया वाला बॉयफ्रेंड भी इससे दूर भागने लगा है। अब ये लड़की मुझे ये जानना चाहती थी कि उसे अब क्या करना चाहिए, अपने एक्स पार्टनर के साथ फिर से पुराने रिलेशन में जाना चाहिए या इसी रिलेशन में रहना चाहिए जहां पर उसे
कोई इग्नोर कर रहा है। मैंने इस लड़की को यही बताया कि आप किसी भी रिलेशन में चले जाओ, आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे। मैंने इस लड़की को सिर्फ इतनी एडवाइस दी कि देखो, आपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर 100% ध्यान देना बंद कर दिया तो आपका एक्स पार्टनर अपने आप आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो आपके नए रिलेशन में जहां पर आपका बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है, वहां पर सिर्फ अपना 50% एफर्ट देना बंद करो, 50% उसके पीछे भागना बंद करो, आपका बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर करना छोड़ देगा। सिकर्स का प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो रिलेशनशिप बनाने के बाद 100% उस रिलेशन में डूब जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और आंख बंद करके अपने पार्टनर के पीछे भागने लगते हैं, इसलिए उनका पार्टनर उनसे दूर भागने लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी रिलेशनशिप में एक सीकर की तरह बिहेव कर रहे हो, तो बस एक छोटा सा काम करिए, जितना ज्यादा दिमाग आप अपने इस रिलेशनशिप में लगा रहे हो, या यूं कहूं कि जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, उतना ही ज्यादा आप अपने गोल को और अपने काम को प्यार करने लगो, आपका रिलेशनशिप अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जब आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने गोल को और अपने काम को बहुत ज्यादा टाइम दोगे, तो आपके पास उतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आप अपने पार्टनर के पीछे भागो, और जब आप अपने पार्टनर के पीछे भागोगे ही नहीं, तब आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, आपके पार्टनर को आपसे यही चाहिए, आपके पार्टनर को ये नहीं चाहिए कि कोई उनके लिए रोता रहे, उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए जो उनसे ज्यादा अपने सपनों को प्यार करे। एक सीकर एक गिवर कैसे बन सकता है? अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को बेहतर बनाकर। लीडरशिप एक गिवर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो आपको सीकर्स में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको ये समझना होगा कि आपके प्यार को देखकर कोई आपको प्यार नहीं करेगा, बट आपकी लीडरशिप की क्वालिटी के कारण लोग आपके लिए कुछ भी करेंगे। एक गिवर अपनी लाइफ का खुद लीडर होता है, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, या यूं कहूं कि वो किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होता। सीकर्स बार बार अपनी लाइफ में स्टक हो जाते, अपनी लाइफ में वो फंस जाते, जैसे कि अगर उसको किसी से प्यार हो गया तो वो सिर्फ प्यार में फंस कर रह जाएगा। सीकर्स का अपने इमोशन के ऊपर इतना ज्यादा असर होता है ना कि उन्हें प्यार के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। इन शॉर्ट, उन्हें खुद पता नहीं होता कि उनकी लाइफ जा कहां रही है, खुद की लाइफ का उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होता। इवन वो अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए भी अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट एक गिवर का उनकी लाइफ में एकदम पूरा कंट्रोल होता है। अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहा है या जा रहा है, इससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है, इन्हें ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जब गिवर्स को कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या जब उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब गिवर बहुत इजीली उस इंसान से अलग हो सकता है, उसे अलग होने में तकलीफ नहीं होती। और बड़ी बात तो ये है कि गिवर अपने इमोशंस को और अपने प्यार को अपने कंट्रोल में रखता है, वो एक सीकर की तरह टूट नहीं जाएगा, और ना ही किसी के इग्नोर करने से रोने बैठेगा, और ना ही कभी किसी से प्यार की भीख मांगेगा। इन शॉर्ट, प्यार, सेक्स और कोई भी चीज उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। हमेशा वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाता जाएगा और ऐसे मुश्किल डिसीजन लेता जाएगा जो उसकी लाइफ के लिए सही होता है। जहां पर सीकर प्यार में फंस कर कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या करना जरूरी है, इवन वो अपनी प्रॉब्लम के साथ फाइट भी नहीं कर सकता। सीकर्स इमोशनली अपने आप को डील नहीं कर पाता, इसलिए लोगों को उसमें उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखती नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। गिवर्स अपनी लीडरशिप क्वालिटी के कारण हमेशा अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ता जाएगा। लोगों को एक गिवर के अंदर एक विनर एटीट्यूड वाला इंसान नजर आता है, एक हीरो नजर आता है, एंड लोग ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। एक सीकर को गिवर बनने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात को समझने की जरूरत है, जिसे गिवर बहुत ही अच्छी तरह से समझता है कि लोग आपको नहीं, आपकी आइडेंटिटी को प्यार करता है, जो आइडेंटिटी आप लोगों के दिमाग में अपने बारे में बनाते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आपको सीखना बहुत अच्छा लगता है, आप ये समझना चाहते हो कि ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज रिलेशन में कैसे होता है, तो आपको मेरी लिखी हुई ईबुक द अल्फा मेल और साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप ईबुक को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पर्सनली मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, तो भी आप पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुकिंग की और ईबुक डाउनलोड की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट में लिंक मिल जाएगी। रिलेशनशिप में आने के पहले एक सीकर की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, वो अपनी लाइफ में मस्त होता है, अपने काम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तब सीकर अपनी लाइफ में हैप्पी होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी लाइफ में अपने गोल होते, इसलिए तब लोगों को एक सीकर भी इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है, एंड वो होता भी है। पर अफसोस, रिलेशन में आने के बाद एक सीकर बदलने लगता है, वो अपने दोस्तों को कम टाइम देने लगता है,
और अपने काम को इम्पोर्टेंस देना भी वो बंद कर देता है। अब वो अपना पूरा टाइम, एफर्ट और एनर्जी अपने पार्टनर के ऊपर लगाता है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब वही सीकर इंटरेस्टिंग पर्सन से एक बोरिंग पर्सन होने लगता है। अब वो इनसिक्योर फील करने लगता है और दुखी रहने लगता है। अब उसका पार्टनर उससे दूर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके पार्टनर ने जिस इंसान को पसंद किया था वो इस इंसान से काफी अलग था, वो इंसान उसके ऊपर डिपेंड नहीं था। लेकिन एक सीकर अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से पार्टनर के ऊपर डिपेंड होने लगता है और इसलिए वो खुद पार्टनर की नजरों में अपनी आइडेंटिटी को खराब कर लेता है। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर बदल गया है, वो पहले बहुत प्यार करता था, ऐसे लोगों को सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। खुद को ऑब्जर्व करने से उन लोगों को पता चलेगा कि मैं खुद कितना ज्यादा बदल गया हूँ और इसलिए मेरा पार्टनर बदल गया है। बट यहीं पर जब बात एक गिवर की आती है तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता। गिवर रिलेशनशिप में आकर ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाता। उसको ये बात हमेशा पता होती है कि उसकी लाइफ में उसके लिए उसका काम और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। गिवर रिलेशनशिप में आने के बाद भी अपनी लाइफ का और अपने रिलेशन का बैलेंस बना कर रखता है। जितना जरूरी होता है गिवर उतना अपने पार्टनर के साथ टाइम भी स्पेंड करता है, लेकिन कभी भी अपने काम को छोड़कर या अपनी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटी को इग्नोर करके अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश वो कभी नहीं करता, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसके पार्टनर को ये बात पता चल गई कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है तो उसके बाद उसके पार्टनर के दिमाग में उसकी आइडेंटिटी खराब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए गिवर रिलेशन में आने से पहले भी एक इंटरेस्टिंग पर्सन होता है और रिलेशन में आने के बाद भी उसके पार्टनर के लिए वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन ही रहता है। एक सीकर को गिवर बनने के लिए ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए, नहीं तो आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। सीकर प्यार में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उसके हाथ में उसके रिलेशन का कंट्रोल नहीं होता, और गिवर प्यार में अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और इसीलिए ही उसके हाथ में उसके रिलेशन का भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। बहुत सारे लोगों ने ये रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, तब तक आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस रहा होगा। क्योंकि अगर एक बार आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, उसके बाद आप इमोशनली सोचने लगते हो, और जब से आप इमोशनली सोचने लगते हो उसके बाद आपका हर एक्शन और आपका हर डिसीजन इमोशनल एक्शन और इमोशनल डिसीजन होता है, जो ज्यादातर बार गलत होता है। एग्जांपल के लिए, अगर आपका पार्टनर आपसे बोर हो रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल डिसीजन ये होना चाहिए और एक्शन ये होना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा पेस देना चाहिए और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे खुद को और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सको। बट ऐसी सिचुएशन में जो इंसान इमोशनली सोचता है, उसे लगता है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहिए और इसलिए जितना हो सके मुझे अपने पार्टनर के साथ ज्यादा बातें करनी चाहिए। फिर पार्टनर के मना करने के बाद भी वो इंसान बार बार अपने पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश करेगा और इससे उसका पार्टनर उससे पूरी तरह से इरिटेट हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं और उसके बाद उनका मन भी कहता है कि इस तरह से वो कोई एक्शन ले, इस तरह से वो कोई डिसीजन ले, लेकिन वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली सोच रहे, इसलिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सच कहूं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे जहां पर उसके प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटे होते हैं, बट वो इमोशनली सोचने लगते हैं। इनसिक्योर होने के बाद वो इमोशनली ऐसे ऐसे एक्शन लेने लगते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं, जिसके कारण उनके रिलेशन का वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन जाता है। बट यहीं पर एक गिवर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एक्शन लेता है। पहले तो वो ऐसे सिचुएशन होने ही नहीं देगा। अगर बाय चांस ऐसा हो भी जाता है और उसका पार्टनर उसे ये कहता है कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे तुमसे दूर होना है, तो एक गिवर कभी भी अपने पार्टनर के पीछे नहीं पड़ेगा। एंड इससे चांसेस बनता है कि उसका पार्टनर दूर जाने का बोलकर भी उससे दूर ना जा पाए। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका मेंटल एफर्ट। आप जितना ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते जाओगे, जितना ज्यादा मेंटली एफर्ट आप अपने पार्टनर के लिए लगाते जाओगे, आप उतना ही ज्यादा इमोशनल होते जाओगे एंड आपके इमोशंस आपको और ज्यादा कंट्रोल करने लगेगा। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज ये रहेगी कि अपने मेंटल एफर्ट को चेंज करो। आप अपने मेंटल एफर्ट को अपने गोल के ऊपर लगाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर लगाओ और अपने रिलेशनशिप के ऊपर लगाओ, बट इन सबको बांट दो। बहुत ज्यादा अपना फोकस रिलेशनशिप में मत लगाओ। अपने साथ सेल्फ टॉक करो और अपने दिमाग को बताओ कि आपके लिए सिर्फ रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट नहीं है,
दूसरी चीजों के बारे में भी वो सोचे, क्योंकि दूसरी चीजें भी लाइफ की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अपना गोल बनाओ, और उससे भी जरूरी अपने गोल से प्यार करो, तभी आपका दिमाग उसको सीरियसली लेगा। अगर आप जिम नहीं जाते तो जिम जाइए या योगा करिए। एंड तीसरी चीज ये सोचिए कि रिलेशन में आने के बाद आपने कौन सी चीजें छोड़ दिए जो आपको पसंद थी, उन चीजों को अपनी लाइफ में फिर से करना शुरू करिए, क्योंकि यही चीजें है जो आपको फिर से इमोशनली स्ट्रोंग बनाएगी। एंड उसके बाद ही आप लॉजिकल सोचना शुरू करोगे, नहीं तो आप ऐसे ही इमोशनली सोचते रहोगे, हर्ट होते रहोगे, और आपका पार्टनर आपसे दूर होता रहेगा। एक सिकर को गिवर बनने के लिए चौथी इंपॉर्टेंट बात को समझना होगा कि जब एक फूल मुरझा जाता है ना, तब उसका सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। एक सिकर रिलेशनशिप की शुरुआत से रिलेशन के एंड तक एक ही काम करता है, प्यार में खुद के वजूद को मिटा देना। और एक गिवर अपने साथ कभी भी ये नहीं होने देता। गिवर के पास अपनी लाइफ में एक मिशन है, जिसके कारण वो हमेशा नई चीजें सीखता रहता है, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है, और वो अपनी लाइफ में खुश होता है। और ऐसे ही लाइफ में वो हमेशा लगातार आगे बढ़ने के कारण अपनी पर्सनालिटी को भी और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता जाता है। गिवर की लाइफ ऐसे होती है जैसे मानो एक खिला हुआ फूल, हर किसी का वो मन मोह लेता है, उसकी सुगंध हर किसी को उसकी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन एक सिकर जो अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर फील कर रहा है, जो डर में है, जो एंजाइटी फील कर रहा है कि कहीं उसका पार्टनर उसको छोड़कर चला ना जाए, उस सिकर की हालत ऐसी होती है जैसे एक मुरझाए हुए फूल की होती है, लोग उसे फेंक देते हैं। और एक गिवर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि खुद को बेहतर बनाते रहना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अंदर से टूट गए, अगर आप अंदर से हार गए, तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। और एक सिकर को हमेशा ये लगता है कि वो अपने पार्टनर को जितना ज्यादा खुश करेगा, उसका पार्टनर उसे उतना ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक सिकर ये भूल जाता है कि पहले आप इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपका रिलेशन। इसलिए गिवर की तरह पहले खुद की केयर करो, बाद में पार्टनर का सोचो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।